नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान नहीं बल्कि कंपनियों के हित में है। यही वजह है कि किसान मुआवजे के लिए दर दर भटक रहे हैं और कंपनियों ने सिर्फ 5 साल में 40,000 करोड़ का मोटा मुनाफा कूट डाला। कंपनियों को और फायदा पहुँचाने के लिए सरकार ने धान, कपास, बाजरा, मक्का की फसल बीमा के प्रीमियर में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी है। कांग्रेस इसका कड़ा विरोध करती है। ज्ञात रहे कि जयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में गठित कमेटी ने फसल बीमा सरकारी कंपनियों के हवाले करने की सिफारिश की थी। इतना ही नहीं, किसानों को नुकसान के मुताबिक पूरा मुआवजा देने की भी मांग उठाई गई थी। हुड्डा आज रोहतक में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी जेजेपी सरकार के दौरान सिर्फ कर्ज, बेरोजगारी, महंगाई और लुटाई में बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा विकास के तमाम पैमानों पर हरियाणा पिछड़ रहा है। यही वजह है कि आज प्रदेश पर कर्ज बढ़कर 3,24,000 करोड़ रुपए तक पहुँच चुका है, लेकिन प्रदेश के आधारभूत ढांचे में दूर दूर तक कोई सुधार नजर नहीं आता। सुधार करने के बजाय मौजूदा सरकार ने कांग्रेस सरकार में लागू की गई प्रदेश की खेल व शिक्षा नीति का बंटाधार कर दिया। चिराग योजना के जरिए सरकारी स्कूलों की बजाय निजी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी तरह सरकार ने खेल नीति में बदलाव करके खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। जबकि खेल और शिक्षा किसी भी देश व प्रदेश के विकास का पैमाना होते हैं। जहाँ पर अच्छे खिलाड़ी और लोग ज्यादा शिक्षित होंगे, वह देश व प्रदेश ज्यादा तरक्की करेगा। 24 का प्लान तैयार कर रहे हैं और ये लोग करें कि 2024 ही नहीं बल्कि आने वाले पिछले अगले 25 साल तक जो भाजपा सत्ता में रहेगी, इस तरह की रणनीति जो बनाई जा रही है। मेरे अलावा सपने और कोई ले सकता है? प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जो है लोगों की वो से होती है। ये तो लोग फैसला करेंगे, आने दो चुनाव, वो फैसला करेंगे, वो मान्य होगा सबको, इसमें क्या लोकतंत्र में। लेकिन जो दिख रहा है, जिस हिसाब से बात सुन रहे, हर वर्ग से बात कर रहे हैं, आज हर वर्ग इस सरकार से असंतुष्ट है और विमुख हो चुका है। क्योंकि हर जगह ये कानून व्यवस्था आपके सामने है। आज हरियाणा में तो कानून व्यवस्था नाम की चीज़ को है ही नहीं, अपने आप में कोई भी सुरक्षित नहीं है। जब ना पुलिस सुरक्षित, ना जो कानून बनाने वाले सुरक्षित विधायकों को मिल रही है, आम आदमी की सुरक्षा कहाँ मिल रही है। इसी प्रकार से बेरोजगारी पूरे देश में नंबर एक, महंगाई और ऊपर से लुटाई। लुटाई देखो, अब फसल बीमा योजना है, पिछले 5 साल में फसल बीमा योजना कंपनियों ने 40,000 करोड़ रुपया कमाया है और अब इन्होंने प्रीमियम बढ़ा दिया। अब प्रीमियम देखो, इसका उनको एक हौसला हो और उनका फ्यूचर, खिलाड़ी का कब अच्छे खिलाड़ी पैदा कर सकते हो आप। 2005 में सबसे पहले हमने नीति बनाई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, खिलाड़ियों को सुविधा दी और उनका भविष्य सुरक्षित किया भी। आप ये पदक लाओगे तो ये पद पाओगे, बहुत अच्छे पद दिए। तो मेरा सरकार से ये है कि जो पहली पॉलिसी थी उसको लागू करें, DSP सीधा भर्ती करें, क्लास में हर क्लास में भर्ती करें, उसके अच्छे भर्ती करें, केवल स्पोर्ट्स में नहीं। खेल मंत्री भी इन्होंने तो खिलाड़ी को ही बना रखा ही, कह रहे हैं हर गांव में व्यायामशालाएं बनेंगी, कोचेज लगाए जाएंगे ताकि बच्चे आगे बढ़ सकें। हर गांव में तो कहाँ बनाएंगे, जितने हमने बना रखे थे स्टेडियम उनको ही ठीक ठाक करने, वही उनकी हालत खस्ता हुई हुई है, उनकी रिपेयर कर दें, उनको अच्छी तरह मेंटेन कर दें, वहाँ कोचेज लगा दें, वहाँ जो एकेडमी जो हमने मंजूर करी थी वो तो सुचारू रूप से चला दें, वही बहुत है। क्या आपको लगता है कि खस्ता हालत है जो अपने अपने स्टेडियम में? आपको नहीं लगता, आप जाके देखो, कहीं बहुत खस्ता हालत, कोई मेंटेनेंस नहीं। अरे स्टेडियम तो दूर, यहाँ तो शहर में सड़कें देख ले भाई, कहीं देख ले, कोई सुधार नजर आ रहा है तुम्हारे? तो मैंने, हाँ कर्जा बढ़ रहा है, 3,24,000 करोड़ कर्जा हो गया। बड़ी खुशी की बात है, नीरज चोपड़ा ने जो स्टूडेंट मेडल जीता है, केवल हरियाणा के लिए नहीं पूरे देश के लिए गर्व की बात है। आज सवेरे ही मेरी उनके पिताजी से बात हुई है, बहुत खुश थे, मैंने उनको मुबारकबाद दी है। और नीरज चोपड़ा ने पहले भी ओलंपिक्स में भी
और अब भी जो है पूरे गांव का, प्रदेश का, देश का नाम ऊंचा किया है। बहुत बहुत खुशी है। और लेकिन सरकार को जो सम्मान देना चाहिए था उसको यहाँ सरकार ने भी सम्मान नहीं किया, क्योंकि पहले इस किस्म के जो खिलाड़ी थे उनको हम सीधा डीएसपी भर्ती करते, अब वो भर्ती डीएसपी बंद कर दी, क्लास टू और क्लास वन बंद कर दिया। देनी चाहिए तो चोपड़ा है, हमारे लिए गर्व किया। और अब इन्होंने प्रीमियम बढ़ा दिया। अब प्रीमियम देखो, इसका धान का 713 था, उसका बढ़ा के 759 कर दिया प्रति एकड़। कपास 1731 की जगह 1819 कर दिया, जबकि पिछली बार दोगुना किया थे, अब वो बढ़ा दिया। इसी तरह सरसों का 335 की जगह 353, ये तो बढ़ा रहे हैं। मक्की 356 की जगह 375, ये बढ़ा रहे हैं और आमदनी घटा रहे हैं। एक सर, इसी से रिलेटेड अभी जो अनिल विज यहाँ पे ग्रीवेंसीज कमेटी की मीटिंग लेने आए थे, तो उसमें एक सवाल आया था कि हरियाणा सरकार ने जिस खराबे का प्रति एकड़ ज्यादा मुआवजा दिया, बीमा कंपनियों ने उस खराबे का 256-260 इस तरह से, मैं कह रहा हूँ भाई, जिस प्रकार से हो रहा है 40,000 करोड़ का बीमा, ये फसल बीमा योजना जो है बिल्कुल किसान के हित में नहीं है, और जितना नुकसान होता उतना मुआवजा नहीं दे रहे। और अब जो है कितनी बारिश से कितना नुकसान हुआ किसान, आप देख रहे, रोज मैं तो अखबारों में पढ़ता हूँ, कभी किसी डीसी का घेराव करते हैं, कभी किसी का करते हैं, कम मुआवजे के लिए धक्के खा रहे हैं, वैसे ही किसान परेशान है। अगर सत्ता में कांग्रेस पार्टी आती है तो क्या फसल बीमा योजना के फैसले को, अगर स्टेट की बात किया जाए, तो क्या आप लोग वापस ले सकते हैं? ऐसा फ्राहम क्यों नहीं, हम ऐसा फ्राहम करेंगे जो किसान के हित की हो, कंपनी के हित की नहीं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।